नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विनायक कांदळकर आप सभी का रिधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें से ब्रिक एंड ब्रिक मेसनरी टॉपिक के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ज़्यादातर अभी TCS या तो IBPS एग्जाम कंडक्ट करती है, स्टेट में जो JEE लेवल एग्जाम होती है या तो फिर A लेवल एग्जाम्स होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स के लिए TCS या तो IBPS एग्जाम कंडक्ट करती है। और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कहेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा थियरी है, किसी भी पॉइंट पे से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं उसके हम लोग डिटेल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। इसकी वजह से आपको आने वाले एग्जाम्स में जो है जरूर इस सीरीज़ का जो है फायदा होने वाला है। ओके, तो जैसे कि SSC JEE का एग्जाम होगा या तो फिर आपके स्टेट में जो JEE लेवल एग्जाम है, NHPC होगा या फिर DDA का एग्जाम होगा, DSSSB का एग्जाम होगा, DFCCIL का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में जो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज जो है जरूर हेल्पफुल रहने वाली है। आप सारे वीडियोस को जो है स्टार्ट टू एंड जरूर देखना और जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते जाइए। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं ब्रिक एंड ब्रिक मेसनरी टॉपिक को। ओके, तो स्टार्टिंग विद द ब्रिक एंड ब्रिक मेसनरी टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हमें मैच द पेयर जैसा है, इसमें हम लोग को कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं ब्रिक्स के। तो ब्रिक्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके परसेंटेज पूछे गए हैं कितना रहता है ना। तो जैसे कि पहला इंग्रेडिएंट है सिलिका, दूसरा है लाइम, तीसरा है एल्यूमिना और तीसरा है ऑक्साइड, चौथा है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ओके, तो देखा जाए तो सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, सिलिका का परसेंटेज कितना होता है, अगर हम लोग ब्रिक में सिलिका का परसेंटेज देखें तो वो सबसे ज़्यादा रहता है, दैट इज 50-60%, दैट इज 50-60%। बाद में है लाइम, लाइम जो है ब्रिक में है ना उसका परसेंटेज है अप टू द 5%। आफ्टर दैट देयर कम्स एल्यूमिना, अगर एल्यूमिना का परसेंटेज देखें तो दैट इज 20-30%। एंड देन देयर कम्स द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो है अप टू 5-6% रहते हैं। तो अगर हम लोग इस मैच द पेयर में से जो आंसर्स है अगर देखा जाए तो ए के लिए 1 है, बी के लिए 3 है, सी के लिए 2 है और डी के लिए 4 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 2, 3, तो 3 ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे लिए करेक्ट पेयर रहने वाली है। ओके, तो अगर हम लोग अभी ये इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज देख रहे हैं तो साथ ही में हमें इन इंग्रेडिएंट्स के फंक्शंस भी जानने हैं और साथ ही में अगर ये इंग्रेडिएंट्स इनके परसेंटेज से ज़्यादा हो गए, अगर एक्सेस में रहेंगे तो उससे क्या होने वाला है, ये भी हमें जानना है। ओके, तो दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें से क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं, फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फिर जो इंग्रेडिएंट है ब्रिक्स के जो इंग्रेडिएंट है अगर वो एक्सेस में रहेंगे तो उससे क्या होता है, ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं प्रीवियसली JEE लेवल एग्जाम या तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होगे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होगा, इन सभी में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से हर एक पॉइंट को है ना इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए सिलिका का जो परसेंटेज है वो 50-60% है। सिलिका जो है ब्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही में ब्रिक का जो शेप है, हार्डनेस है ना, वो जो है सिलिका से है ना, सिलिका से मिलता है ब्रिक्स के लिए। और ब्रिक का जो श्रिंकेज है या फिर क्रैकिंग है, इट इज प्रिवेंटेड बाय द सिलिका। अगर सिलिका इनका परसेंटेज है 50-60%, अगर ये 50-60% से ज़्यादा अगर ब्रिक में ऐड किया जाए है ना, तो क्या हो सकता है, एक्सेस में अगर ऐड किया जाए तो इसका इफेक्ट है ब्रिक को ये ब्रिटल या तो वीक बना देगा है ना, इट विल मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। सेकेंड आता है, अगर सेकेंड इंग्रेडिएंट अगर हम लोग देखेंगे ब्रिक का तो दैट इज एल्यूमिना। और एल्यूमिना का जो परसेंटेज है वो है 20-30%। एल्यूमिना ब्रिक को प्लास्टिसिटी, ब्रिक का जो जब हम लोग ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें मोल्डिंग के वक्त प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है एल्यूमिना। ओके, इट इम्पार्ट्स व्हाट, इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी फॉर मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक्स। अगर एल्यूमिना एक्सेस में ऐड किया जाए तो उससे क्या होने वाला है, तो ये ब्रिक्स में है ना, ब्रिक में हमें क्रैक्स दिखने वाले हैं या तो फिर ब्रिक जो है हार्ड बन जाएगी जब ब्रिक का बर्निंग करते तो है ना, व्हेन द ब्रिक्स आर बर्न इट विल मेक द ब्रिक्स हार्डर और आफ्टर ड्राइंग इट विल द ब्रिक विल गेट वार्प। ओके, वार्पिंग हो सकता है ऑन ड्राइंग। थर्ड आता है लाइम,
लाइम का अगर देखा जाए, लाइम का परसेंटेज जो है अप टू 5% लाइम जो है ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग वर्क हमने ऐड करना है। इसका फंक्शन क्या है, ये तो इट इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स, लाइम इज एक्टिंग एज अ फ्लक्स। और लाइम क्या करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है ना, ब्रिक्स जब ड्राई होते हैं तो आफ्टर ड्राइंग इट विल प्रिवेंट द श्रिंकेज, दिस इज द फंक्शन ऑफ द लाइम। अगर एक्सेस में लाइम को ऐड करेंगे तो ब्रिक का शेप जो है दैट शेप विल बी लॉस्ट, द ब्रिक शेप विल बी लॉस्ट इफ द लाइम इज एडेड इन एक्सेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। बाद में फोर्थ आता है मैग्नीशिया, मैग्नीशिया जो है अप टू 1% जो है हमें मैग्नीशिया ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ऐड करना है। तो मैग्नीशिया का फंक्शन क्या है, तो जो येलो कलर है इट इज इम्पार्टेड बाय द मैग्नीशिया एंड इट डिक्रीजेस द श्रिंकेज अप टू सम अमाउंट। अगर मैग्नीशिया 1% से ज्यादा अगर एक्सेस में ऐड किया जाए ब्रिक्स में तो इट विल लीड टू व्हाट, डीके ऑफ द ब्रिक्स, इट विल लीड टू द डीके ऑफ द ब्रिक्स। बाद में फिफ्थ इंग्रेडिएंट आता है ब्रिक में आयरन ऑक्साइड, द फिफ्थ इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक इज आयरन ऑक्साइड और इसका परसेंटेज है 5-6%। अगर आयरन ऑक्साइड अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आयरन ऑक्साइड का फंक्शन क्या है, तो जो कलर है ब्रिक का है ना, तो रेडिश कलर, रेडिश टिंट है ना, इट इज इम्पार्टेड बाय द आयरन ऑक्साइड। इट ऑल्सो इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स। ओके, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है इनके फंक्शन हम लोगों ने देखे है ना, हमने क्या देखा है, इन सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्रिक्स के जो फंक्शन है वो हमने पढ़े हैं अभी। और अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सेस में रहे तो इससे क्या होने वाले, इफेक्ट्स क्या होने वाले वो भी हमने देखे हैं। सो ये जो टेबल है आपको इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज, ये जो फंक्शंस है, या तो फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर एक्सेस में रहेंगे तो क्या होने वाला है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप वीडियो पॉज करके, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके जरूर ये टेबल को नोट कर देना। ओके, इसमें से जरूर क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ओके, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेप इन मेकिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा सीक्वेंस है, हम लोग क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हम लोग क्या करते हैं, अनसॉइलिंग। फर्स्टली वी विल डू द अनसॉइलिंग, देन वी आर गोइंग टू डू डिगिंग है ना। अगर हम लोग ये देखें है ना, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, अनसॉइलिंग, सेकेंड क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं of the soil, then cleaning, weathering, blending and tempering। तो ऐसे हम लोग brick manufacturing के वक्त जो process है वो ऐसे follow करते हैं, सारे steps follow करते हैं, unsoiling, digging, cleaning, weathering, blending and tempering। okay, बाद में molding होता है, bricks का molding किया जाता है, drying किया जाता है, bricks को burn किया जाता है kiln के अंदर। okay, और बाद में bricks तैयार होते हैं, brick का manufacturing होता है। After cooling of the bricks are used। ये सारे steps हम follow करते हैं, these all are the steps are followed in manufacturing of the bricks। okay, तो total ये 9 steps हैं जो हम लोग follow करते हैं during the manufacturing of the bricks। तो इसका sequence पूछा गया है हमारे question में है ना, तो कौन सा correct step है in making of the brick earth। तो पहले तो जैसे मैंने बताया आपको अनसॉइलिंग करते हैं, बाद में डिगिंग करते हैं, डिगिंग के बाद में क्लीनिंग किया जाता है, बाद में वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। यस है ना, तो फिर ऑप्शन क्या होगा, ई ए बी डी एंड सी, ई ए बी डी सी। ओके, सो दैट इज द सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, जो सीक्वेंस है, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखो इसमें पूछा गया है ब्लास्ट, द ब्लास्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन एंड फ्लोर्स इन लाइम कॉन्क्रीट एंड रोड मेटल। तो हम लोग जो है कौन सी ब्रिक यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करते हैं, या तो सेकंड क्लास ब्रिक यूज करते हैं, या थर्ड क्लास ब्रिक, या फोर्थ क्लास ब्रिक करते हैं, कौन सी ब्रिक हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्लास्ट। तो देखो फोर्थ क्लास ब्रिक जो है, इसमें से फोर्थ क्लास ब्रिक जो है वो जो है इट इज यूज्ड एज अ ब्लास्ट। फोर्थ क्लास ब्रिक जो है ब्लास्ट करके हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर फाउंडेशंस एंड फ्लोर्स इन लाइम कॉन्क्रीट एंड रोड मेटल। साथ ही में हमें यह जानना है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स फिर कहाँ यूज किए जाते हैं, सेकेंड क्लास ब्रिक्स कहाँ यूज किए जाते हैं, थर्ड क्लास ब्रिक्स कहाँ यूज किए जाते हैं, ये सारे ब्रिक्स का हमें क्या जानना है, यूज है ना, सारे ब्रिक्स का हमें यूज जो है जानना होगा, क्योंकि वो एग्जाम में इन किसी भी क्लास ऑफ ब्रिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर दैट ऑल्सो अगेन वन मोर क्वेश्चन,
इस पे वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना रहता है, सेकंड क्लास का कितना रहता है, थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहता है, इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, या तो फिर प्रीवियसली आप देख सकते हैं इस पे क्वेश्चन आया भी है। ओके सो देखते हैं। देखो सबसे पहले है जैसे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ओके सबसे पहले है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना रहता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सेकेंड क्लास ब्रिक का जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 7 या तो 7 से ज्यादा होगा, है ना, 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या तो 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के ज्यादा होना चाहिए सेकेंड क्लास ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बाद में आता है थर्ड क्लास ब्रिक। तो थर्ड क्लास ब्रिक का जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या तो फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ क्लास ब्रिक या तो ओवरबर्न ब्रिक जो है ना, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं, बस उसका यूज है हम क्या करते हैं फाउंडेशन फ्लोर्स में या तो फिर रोड मेटल्स में हम लोग उसका यूज करते हैं। हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। ओके तो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स जो है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा। ओके बाद में आता है वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 20% फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक। फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 22%। फॉर थर्ड क्लास ब्रिक वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 25%। एंड फॉर हैवी ड्यूटी ब्रिक्स द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 5%। तो आपको ये वाटर एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये सब पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स हैं आपको याद रखने क्वेश्चंस आते हैं। और बाद में अगर हम लोग देखें थर्ड पॉइंट दैट इज यूज ऑफ द डिफरेंट क्लास ऑफ द ब्रिक्स। पहला जो है फर्स्ट क्लास ब्रिक, इसका यूज जो है हम लोग कहाँ करते हैं, तो पॉइंटिंग में या फिर जैसे कि एक्सपोज फेसिंग एंड मेसनरी वर्क में हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट या फिर हम लोग कहेंगे अनइम्पॉर्टेंट जो मेसनरी वर्क है उसमें हम लोग यूज करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक। एंड फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट मेसनरी वर्क वी आर गोइंग टू यूज सेकेंड क्लास ब्रिक्स। थर्ड क्लास ब्रिक्स जो है वो टेम्पररी वर्क के लिए यूज होते हैं, जैसे कि कंपाउंड वॉल का कंस्ट्रक्शन है तो थर्ड क्लास ब्रिक्स से हम लोग कर सकते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक्स से करते हैं। आफ्टर दैट देयर कम्स द फोर्थ क्लास ब्रिक्स या फिर ओवरबर्न ब्रिक्स, जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा है। यस सो इट इज यूज इन फाउंडेशन एंड फ्लोर्स एंड रोड मेटल्स। ओके फोर्थ क्लास ब्रिक्स कहाँ यूज किया जाता है, तो फाउंडेशन फ्लोर्स एंड रोड मेटल्स में हम लोग फोर्थ क्लास ब्रिक्स को यूज करते हैं, ओवरबर्न ब्रिक्स को यूज करते हैं। After that there comes heavy duty bricks. Heavy duty bricks कहाँ use किया जाता है, तो देखो heavy duty bricks जो है bridges में, है ना, bridges में, foundation of the industrial buildings में या फिर multi-story buildings में हम लोग heavy duty bricks का use करते हैं। ओके तो जो big structures है, large structures है, उसमें हम लोग heavy duty bricks का use करते हैं। तो ये सारा table जो है जिसमें compressive strength, water absorption और use दिया गया है different class of bricks का, ये आपके exam के लिए important है, इसको आप note कर सकते हैं। Yes, clear? Okay. तो देखते हैं हम लोग अभी ये जो है सेकंड क्वेश्चन हुआ, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन और इसमें सिर्फ फोर्थ क्लास ब्रिक का यूज के ऊपर क्वेश्चन था। ओके अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है इट इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लैंप बर्निंग ऑफ द ब्रिक व्हेन कंपेयर्ड टू द किल्न बर्निंग। ओके तो हम लोग मैंने जैसे आपको बताया ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जैसे हम लोग ब्रिक का बर्निंग करते हैं, तो ब्रिक्स का बर्निंग जो है वो किल्न के अंदर किया जाता है, तो है ना, जैसे कि क्लैम्प बर्निंग है या तो सेकंड प्रोसेस है किल्न बर्निंग, है ना। तो क्लैम्प बर्निंग और किल्न बर्निंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम लोग क्लैम्प बर्निंग को जब हम लोग किल्न बर्निंग के साथ कंपेयर करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है द फायर इज अंडर कंट्रोल थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। सेकेंड है वेस्टेज ऑफ हीट इज लेस सिंस हॉट फ्लू गैस इज यूज टू ड्राई द ब्रिक्स। थर्ड क्वेश्चन है इट रिक्वायर्स अबाउट 2 to 6 मंथ फॉर बर्निंग एंड कूलिंग ऑफ द ब्रिक्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनिशियल कॉस्ट इज मोर एज परमानेंट स्ट्रक्चर आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। यस तो थर्ड अगर हम लोग ऑप्शन देखें, है ना, तो इट इज व्हाट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लैम्प बर्निंग। तो क्लैम्प बर्निंग में 2 to 6 महीने लगते हैं, 2 to 6 मंथ लगते हैं फॉर बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स, बर्निंग एंड कूलिंग प्रोसेस में 2 to 6 महीने लगते हैं क्लैम्प बर्निंग में। ओके तो अभी है ना ये स्टेटमेंट जो है थर्ड स्टेटमेंट इट इज ट्रू व्हेन द क्लैम्प बर्निंग इज कंपेयर्ड विद द किल्न बर्निंग। अभी हम लोगों को क्लैम्प बर्निंग और किल्न बर्निंग के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। सो लेट्स सी दैट। हाँ जैसे कि क्लैम्प बर्निंग का अगर कैपेसिटी देखा जाए, है ना, क्लैम्प बर्निंग का अगर कैपेसिटी देखा जाए तो इसका कैपेसिटी है नियरली अबाउट 20,000 to 1 lakh ब्रिक्स। और अगर ये कैपेसिटी जो है वो नियरली अबाउट जो 2 to 6 मंथ टाइम ले रहा है, 2 to 6 मंथ में
20,000 टू 1 लाख ब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मतलब कैपेसिटी जो है कंपेयर्ड विद, अगर क्लैम बर्निंग को किल्न बर्निंग के साथ कंपेयर किया जाए तो किल्न बर्निंग से कम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसका है, क्लैम बर्निंग का है। कैसे, 206 महीने में सिर्फ 20,000 टू 1 लाख ब्रिक्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं क्लैम बर्निंग में। लेकिन अगर हम लोग किल्न बर्निंग की बात करें तो किल्न बर्निंग में 25,000 ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है वन डे में, है ना, इन पर डे, है ना। तो पर डे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है, 25,000 ब्रिक्स आर, है ना, ब्रिक्स आर बर्नड इन द किल्न बर्निंग, है ना। पर डे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना है, 25,000 ब्रिक्स, और ये 206 महीने का टाइम ले रहा है 20,000 टू 1 लाख ब्रिक्स को बर्निंग करने में, है ना, क्लैम बर्निंग। इसका कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, द कैपेसिटी ऑफ द किल्न बर्निंग इज मोर देन दैट ऑफ द क्लैम बर्निंग। इस पर भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में फ्रेम किया जा सकता है TCS थ्रू या फिर IBPS थ्रू, क्लियर। बाद में देखो जो भी स्ट्रक्चर है ना, क्लैम बर्निंग में टेम्पररी है और किल्न बर्निंग में परमानेंट स्ट्रक्चर रहता है। सुटेबिलिटी, स्मॉल स्केल अगर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल पे है तो क्लैम बर्निंग सुटेबल है, और अगर लार्ज स्केल पे ब्रिक मैन्युफैक्चर करना है तो किल्न बर्निंग चाहिए, है ना। क्वालिटी ऑफ ब्रिक जो है वो थोड़ा पुअर क्वालिटी है इन केस ऑफ क्लैम बर्निंग, और मोर गुड क्वालिटी ब्रिक्स हमें देखने को मिलेंगे किल्न बर्निंग से, ठीक है। यस, टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग दिया गया है। बर्निंग एंड कूलिंग के लिए क्लैम बर्निंग में 2 से 6 महीने लगते हैं, और अगर हम लोग बात करें किल्न बर्निंग का तो किल्न बर्निंग में 24 आवर लगते हैं बर्निंग के लिए, और कूलिंग होने के लिए लगते हैं 12 डेज, है ना, नियरली अबाउट 12 डेज जो है कूलिंग प्रोसेस में लगते हैं किल्न बर्निंग के केस में, ठीक है। तो ये जो है क्लैम बर्निंग और किल्न बर्निंग के जो पॉइंट्स है, डिफरेंस पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, कैपेसिटी ऑफ द क्लैम बर्निंग और किल्न बर्निंग, और जैसे कि हमने अभी टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग, ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, ओके। तो क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक्स आर बर्नड इन अ किल्न विच इज सर्कुलर इन शेप कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड एंड मेंटेन्ड ऑपरेशनल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। कौन सा किल्न है जो रेनी सीजन में भी ऑपरेशनल है, सच किल्न इज कॉल्ड एज बुलस्ट्रेंज किल्न और हॉपमैन्स किल्न और टनल किल्न और इंटरमिटेंट किल्न। तो कौन सा किल्न है जो थ्रूआउट रेनी सीजन भी कंटिन्यूसली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग किल्न के टाइप्स अगर हम लोग देखेंगे, है ना, तो टाइप्स ऑफ किल्न में है, पहला है इंटरमिटेंट किल्न और दूसरा है कंटिन्यूस किल्न। इंटरमीडिएट किल्न को हम अलाहाबादी किल्न भी बोलते हैं, और कंटिन्यूस किल्न जो है अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूस किल्न में है बुल्स ट्रेंच किल्न, हॉपमैन्स किल्न या फिर टनल किल्न। तो इसमें से बुल्स ट्रेंच किल्न जो है वो सेमी कंटिन्यूस है, मतलब रेनी सीजन में हम लोग बुल्स ट्रेंच किल्न का यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग इन्हें हॉपमैन्स किल्न के नीचे देखा है तो कंटिन्यूस ऐसे लिखा हुआ है, हॉपमैन्स किल्न जो है वो कंटिन्यूस है, मतलब हम लोग थ्रू आउट दी समर विंटर रेनी सीजन, है ना, रेनी सीजन में भी यूज कर सकते हैं हॉपमैन स्किल को। ओके, तो ये कंटिन्यूस है, ये हॉपमैन स्किल जो है कंटिन्यूसली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, देखो तो ब्रिक्स आर बर्नड इन अ किल्न विच इज सर्कुलर इन शेप कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड एंड मेंटेन ऑपरेशनल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो कौन सा है, हॉपमैन स्किल। ओके, तो हॉपमैन स्किल इज ऑपरेशनल इवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। यस, ये आपको याद रखना है। आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रिक, है ना। तो ये क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस सीरीज में ऐसे सेट किया हुआ है कि जैसे ब्रिक का इंग्रेडिएंट उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने TCS को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लिया है, है ना, या IBPS का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, IBPS के क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है तो भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ब्रिक के इंग्रेडिएंट पे, ब्रिक के टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ब्रिक के जो जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, उस पर कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये सारी जो क्वेश्चन सीरीज है आपको जरूर आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, है ना, कंप्लीट थियरी का आप रिवीजन कर रहे हैं इस सीरीज में से, तो इसमें से सभी पार्ट जो है ब्रिक एंड ब्रिक मिस्त्री का आपको मालूम होगा। हर एक एग्जाम में एक याद रखना है आपको, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप जरूर उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यस, तो हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का हमारा मोटिव यही है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको पता दे हम लोग, है ना, तो आप जरूर उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इजीली। ओके, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि डिफॉर्मेशन पे है। देखो ब्रिक्स के कुछ डिफॉर्मेशन जैसे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रिक्स, जैसे कि डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक्स, है ना। रेन वाटर, जब भी हॉट ब्रिक्स पे रेन वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो उसमें से जो भी डिफॉर्मेशन है या फिर जो भी डिफेक्ट है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। देखो उसको ब्लोटिंग बोलते हैं या फिर ब्लिस्टर बोलते हैं कि इफ्लोरेसेंस बोलते हैं कि चफ्स। देखो जब भी रेन वाटर हॉट ब्रिक्स पे गिरता है तो जो डिफॉर्मेशन होता है ब्रिक्स में उसको हम लोग बोलते हैं चफ्स,
दैट इज कॉल्ड एज द चब्स। फिर ये ब्लोटिंग क्या है, ब्लिस्टर्स क्या है, या तो फिर एफ्लोरेसेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि सबसे पहले डिफेक्ट्स, अगर हम लोग सभी डिफेक्ट्स के बारे में जानकारी देखेंगे, सबसे पहले है ओवर बर्निंग। तो ओवर बर्निंग क्या है, तो ओवर बर्निंग की वजह से क्या होगा, है ना, इस डिफेक्ट, इसमें से क्या डिफेक्ट होने वाला है, तो ब्रिक विल लूज देयर शेप, है ना। ओवर बर्निंग करेंगे ब्रिक्स का तो ब्रिक विल लूज देयर शेप, है ना, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, है ना, उससे क्या होने वाला है, शेप लूज होने वाला है ब्रिक्स का ओवर बर्निंग की वजह से। बाद में है ब्लिस्टर्स। तो ब्लिस्टर्स किस वजह से आते हैं, ब्लिस्टर जो है इट इज ड्यू टू द एयर एंट्रैपमेंट, या फिर एयर इम्प्रिजनमेंट बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द मोल्डिंग ऑफ द ब्रिक्स। मोल्डिंग करते वक्त ब्रिक्स में अगर एयर एंट्रैप्ड होती है या फिर एयर इम्प्रेजेंट रहती है तो क्या हो सकता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। थर्ड डिफेक्ट है ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग क्या होता है, ब्लोटिंग जो है जैसे कि कार्बोनेशियस या फिर सल्फरस मैटर जो होता है, कार्बोनेशियस और सल्फरस मैटर जो भी हम लोग ब्रिक के लिए जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, अगर उसमें कार्बोनेशियस या फिर सल्फरस मैटर रहेगा तो उसके वजह से क्या होने वाला है, ब्रिक्स के ऊपर ऐसा स्पॉन्जी स्वलन मास आने वाला है ना। ब्रिक वी कैन ऑब्जर्व द स्वलन मास और स्पॉन्जी स्वलन मास ओवर द ब्रिक सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉटिंग, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लॉटिंग। बाद में है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस जो है इट इज ड्यू टू द अल्कलाइज, इट इज ड्यू टू द अल्कलाइज। फिफ्थ है चब्स। तो चब्स क्या है, चब्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो ब्रिक में डिफॉर्मेशन आता है। क्यों आता है, जैसे कि जब हॉट ब्रिक्स रहते हैं उसके ऊपर जब रेन वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो उसके ऊपर ब्रिक्स का डिफॉर्मेशन होता है, है ना। रेन वाटर जब हॉट ब्रिक्स पे गिरता है तो ब्रिक्स का डिफॉर्मेशन होता है, और इसी डिफॉर्मेशन को हम लोगों ने कहा है चब्स। क्लियर। बाद में है अंडर बर्निंग। अगर हम लोग, है ना, ओवर बर्निंग किया तो हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रिक्स का शेप जो है इट विल, है ना, द ब्रिक विल लूज देयर शेप। अंडर बर्निंग की वजह से क्या होने वाला है, हायर द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लेसर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। अंडर बर्निंग की वजह से क्या होने वाला है, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर हम लोग ब्रिक को अंडर बर्नड रखेंगे तो। लैमिनेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेक्ट, और SSCJEE या फिर हम लोग जैसे देखा है आपने, है ना, जो कि TCS थ्रू जो एग्जामिनेशन होती है उसमें से, है ना, एक एग्जाम में लैमिनेशन पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो लैमिनेशन क्या है, तो लैमिनेशन इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू द एंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ द क्ले। लैमिनेशन क्या होता है, लैमिनेशन हमें ब्रिक के ऊपर लैमिनेशन दिखेंगे, इट इज ड्यू टू व्हाट, एंट्रैप्ड एयर इन द वॉइड्स ऑफ द क्ले, ये डिफेक्ट हमें दिख सकता है लैमिनेशन से। तो ये सारे डिफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस स्लाइड पे हमें देखने को मिलेगी। तो जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन में वो तो चब्स के बारे में पूछा गया था, ब्लोटिंग, ब्लिस्टर, एफ्लोरेसेंस क्या है ये भी हमें बता दिया है। बाद में है साइज ऑफ द फ्रॉग। ओके, साइज ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग क्या रहता है, जो ब्रिक के सरफेस के ऊपर जो इंडेंशन रहता है ना, उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉग। अब साइज ऑफ फ्रॉग पूछा गया है, तो साइज ऑफ फ्रॉग रहता है स्टैंडर्ड ब्रिक में, स्टैंडर्ड ब्रिक में साइज ऑफ फ्रॉग क्या रहता है, 10x4x1 cm। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 10x4x1 cm, दैट इज द व्हाट, साइज ऑफ द फ्रॉग। क्लियर। देखो जैसे कि इधर इंफॉर्मेशन है फ्रॉग के ऊपर, फ्रॉग इज व्हाट, इट इज एन इंडेंट और वी कैन से डिप्रेशन इन द ब्रिक, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रॉग। और इसके डेप्थ जो है, फ्रॉग की जो डेप्थ है, जो इंडेंशन या फिर डिप्रेशन है फ्रॉग का, उसकी डेप्थ जो है 1-2 cm है इन टू द ब्रिक। साइज ऑफ फ्रॉग जैसे मैंने बताया 10x4x1 cm है। और पर्पस क्या रहता है ना, फ्रॉग का पर्पस क्या, टू होल्ड द मॉर्टर, है ना, ब्रिक के ऊपर जो हम लोग मॉर्टर, है ना, लेइंग ऑफ द मॉर्टर करते हैं, तो मॉर्टर को होल्ड करने के लिए हमें फ्रॉग चाहिए, टू होल्ड द मॉर्टर वी रिक्वायर द फ्रॉग। क्लियर। बाद में साथ ही में फ्रॉग के साथ मैं आपको साइजेस ऑफ ब्रिक्स भी बता दूंगा, जिसकी वजह से अगर आपको साइज ऑफ ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो भी आप आंसर उसका दे सकते हैं, है ना। तो इजी क्वेश्चन जो है उसमें हमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है ना, सिली क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करनी है। देखते हैं, जैसे कि डायमेंशंस अगर हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज ऑफ द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स IS कोड में जैसे दिया गया है, अगर हम लोग लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ द ब्रिक्स अगर हम लोग देखेंगे मिलीमीटर्स में दिया गया है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट साइज अगर हम लोग देखेंगे तो वो है, फर्स्ट साइज है 190 mm से, तो लेंथ ऑफ द ब्रिक है 90 mm, विड्थ ऑफ द ब्रिक है और हाइट क्या है 90 mm, है ना। तो 190x90x90, दिस इज द फर्स्ट साइज ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर साइज ऑफ द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स। सेकेंड स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज ऑफ द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक इज 190x90x40। ओके, तो 190x90x40 mm, ये भी स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक्स है, और या फिर है 190x90x90, है ना। तो ये सारे ब्रिक्स के साइजेस है ना, ये आपको
जरूर आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो हेल्पफुल रहने वाली है आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नॉन मॉड्यूलर साइज, है ना, नॉन मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक्स, नॉन मॉड्यूलर साइज ऑफ द बिल्डिंग ब्रिक्स। तो कौन से है, देखो इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट फिर से दिए हुए हैं ना मिलीमीटर्स में। तो पहला है नॉन मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स क्या है, फर्स्ट 230x110x70 मिलीमीटर्स, सेकेंड है 230x110x30 मिलीमीटर, 230x110x30 मिलीमीटर्स। दिस इज रिगार्डिंग द नॉन मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स एंड दिस इज रिगार्डिंग द मॉड्यूलर साइज ऑफ द कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स। तो आपको ये डायमेंशन है ना, डायमेंशन या फिर साइजेस ऑफ द ब्रिक्स आपको जरूर, आपको ये इंफॉर्मेशन जो है आपको आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर यस। नेक्स्ट जो है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टेस्ट ऑन द ब्रिक्स। तो फर्स्ट पूछा गया है जैसे कि हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या है, है ना, सेकेंड है वाटर एब्जॉर्प्शन, थर्ड है साउंडनेस एंड फोर्थ है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमें मैच द पेयर के फॉर्म में सारे टेस्ट ऑफ ब्रिक्स पूछे गए हैं। देखो हार्डनेस के वक्त क्या होने वाला है, हार्डनेस की वजह से क्या होने वाला है, हार्डनेस ये टेस्ट हम लोग जब करते हैं ब्रिक्स के ऊपर, देन देर विल बी नो इम्प्रेशन, है ना, देर विल बी नो इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक, या फिर प्रेसिंग द ब्रिक टिल इट ब्रेक्स, है ना, क्या होने वाला है। तो देखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जब हम लोग ब्रिक को प्रेस करते हैं तो ब्रिक शुल नॉट ब्रेक, और हार्डनेस क्या होती है, देर शुल नॉट बी इम्प्रेशन, हार्डनेस मतलब टफनेस ऑफ द ब्रिक या फिर हार्डनेस ऑफ द ब्रिक हम लोग जो बोल रहे हैं, इट शुल वॉट, there should not be any impression left on the surface of the brick, that is the hardness of the brick. Soundness क्या होता है, तो ringing sound आने वाला चाहिए, है ना, ringing sound जो है वो आना चाहिए जब भी हम लोग, है ना, bricks को जब हम लोग strike करते, दो bricks को ऐसे लेके strike करते हैं, तो there should be clear ringing sound, that is the soundness. Water absorption, तो water absorption जो है, it should not be more than 20% of the weight of the dry bricks. Clear? So अभी हम लोग match the pair में अगर हम लोग ये answer देखे, तो A का 2 है, बाद में बी का 3 है, सी के लिए 4 है और डी के लिए 1 है, है ना, तो कौन सा आंसर है, यस, ए के लिए 2, बी के लिए 3, सी के लिए 4 और डी के लिए 1। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ द ब्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रिक कट शोन इन द फिगर विच इज यूज्ड इन ब्रिक मेसनरी। तो ब्रिक मेसनरी में, है ना, डिफरेंट ब्रिक मेसनरी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग जैसे देखते हैं, क्वीन क्लोजर्स रहते हैं, किंग क्लोजर्स रहते हैं, स्नैप क्लोजर, बिवल्ड क्लोजर, मिटर्ड क्लोजर है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर्स देखते हैं हम लोग। तो उसमें से एक पूछा गया है, इधर हमें इमेज दिया गया है, है ना, और इमेज में से हमें कौन सा टाइप्स ऑफ क्लोजर है ये पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जो है हमें TCS ज़्यादातर पूछती है, डायग्राम दिया गया जाता है या तो फिर इमेज दी जाती है, और उसमें से हमें टाइप ऑफ ब्रिक या फिर जो भी है अदर सब्जेक्ट रहा तो उसमें भी हमें इमेज पे से आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूछा जाता है। तो TCS का क्वेश्चन है सेम, मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्म में TCS और IBPS के क्वेश्चन रहते हैं, ग्राफ या फिर डायग्राम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको डायग्राम्स को भी इजिली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको ये मार्क्स इजिली मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो है, ये जो इमेज है, दिस इज रिगार्डिंग द, है ना, ऐसा कट जो है वो सिर्फ रहता है कहाँ, क्वीन किंग क्लोजर में, है ना, दैट इज रिगार्डिंग द किंग क्लोजर। ये जो है इमेज, दिस इज द ब्रिक कट इज शोइंग द किंग क्लोजर। क्वीन क्लोजर में क्या रहता है, लॉन्जिट्यूडिनल ब्रिक को कट किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्वीन क्लोजर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर हम लोग देखेंगे, डिफरेंट इमेजेस है हमारे पास, देखो जैसे कि बिवेल्ड क्लोजर है, क्वीन क्लोजर मैंने बताया, जैसे लॉन्जिट्यूडिनल अगर सेक्शन को कट किया जाए ब्रिक को तो उसे हम लोग कहते हैं क्वीन क्लोजर, हाफ क्वीन क्लोजर। बाद में अगर क्वार्टरली कट किया गया तो क्वीन क्लोजर क्वार्टर भी बोलते हैं, है ना। किंग क्लोजर है, फुल ब्रिक है, मिटर्ड क्लोजर दिया गया है, हाफ हाफ बैट है, थ्री क्वार्टर बैट और बेवल्ड बैट दिया गया है। तो ये सारे इमेजेस हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर्स ऑफ द ब्रिक्स के लिए। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टाइप ऑफ क्लोजर इन अ ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग द ब्रिक लॉन्जिट्यूडिनली। लॉन्जिट्यूडिनली अगर ब्रिक को कट किया जाए तो इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम कौन सा टाइप ऑफ क्लोजर बोलते हैं। अभी मैंने बताया जैसे उसका आंसर है क्वीन क्लोजर, है ना, इमेज भी दिया गया है। तो अगर हम लोग ब्रिक को लॉन्जिट्यूडिनल कट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्वीन क्लोजर कहते हैं। यस, तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीवियसली भी बहुत बार किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, बिवेल्ड, मीटर क्लोजर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई लेवल या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स में भी, एसएससी जेई में भी आ चुका है। यस, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ शेप ऑफ द ब्रिक शोन इन द गिवन फिगर, है ना। तो ये शेप जो है, इस शेप को क्या क्या कहेंगे हम लोग, है ना, दिस दिस द शेप ऑफ द ब्रिक इट इज व्हाट, व्हाट इज दिस, ये पूछा गया है।
तो इसको क्विंक क्लोजर, किंग क्लोजर, बुल नोज या फिर कैंट कैसे कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो स्लोपिंग सर्फेस है ना, तो स्लोप सर्फेस को हम लोग बोलते हैं कैंट, है ना। स्लोप सर्फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंट कहते हैं, है ना। तो दिस द नेम ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक इज द कैंट ब्रिक। ओके, हम लोग इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज द कैंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन फिगर इज फॉर अ कॉमनली यूज्ड ब्रिक लेयर्स टूल। ब्रिक लेयर्स टूल कौन सा है, ब्रिक लेयर्स टूल कौन सा, ब्रिक लेयर्स टूल है ये, है ना। तो ब्रिक ट्रॉवल है कि ब्रिक सेटर है कि बोल्स्टर है कि ब्रिक लाइनर है। तो देखो ये जो है, ये इमेज जो है, दिस इज ऑफ द ब्रिक ट्रॉवल, है ना। जब हम लोग ब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं तो ब्रिक लेयर्स टूल हम लोग जो यूज करते हैं उसमें से ये जो है ब्रिक ट्रॉवल कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग ब्रिक ट्रॉवल। क्लियर। तो इमेजेस पे से क्वेश्चंस बहुत से हम लोग ने देखे, है ना। और एक क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये जो है रिगार्डिंग द ब्रिक मेसनरी, टाइप ऑफ ब्रिक मेसनरी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी बॉन्ड्स हमने देखे हैं, है ना। तो उसमें से यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है ये किस टाइप के बॉन्ड का है, हेडर बॉन्ड का है कि स्ट्रेचर है कि इंग्लिश बॉन्ड का है, फ्लेमिश बॉन्ड का है। देखो हेडर बॉन्ड के वक्त सारे ब्रिक में जो है, सारे फेसिंग में जो है हेडर दिखेंगे, सारे हेडर दिखने वाले हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड के वक्त हमें ब्रिक फेसिंग में सारे स्ट्रेचर्स दिखने वाले हैं, है ना। सारे क्या दिखेंगे, स्ट्रेचर दिखने वाले हैं। इंग्लिश बॉन्ड के वक्त हमें क्या दिखेगा, इंग्लिश बॉन्ड के वक्त हमें, है ना, पूरा जो कोर्स है या फिर पूरा जो लेयर है ना, वो पूरा का पूरा हेडर का, पूरा स्ट्रेचर का ऐसे दिखने वाला है। अगर अल्टरनेटिव हेडर भी है, स्ट्रेचर भी है, हेडर भी है, स्ट्रेचर भी है, तो ये कौन सा है, फ्लेमिश बॉन्ड है। दिस इज व्हाट, फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे कि हम लोग अगर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना, स्ट्रेचर बॉन्ड, मैंने बोला कि ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज अ स्ट्रेचर्स ऑन द फेस ऑफ द वॉल, दैट इज द स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड में क्या है, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज अ हेडर्स ऑन द फेस ऑफ द वॉल, दैट इज द हेडर बॉन्ड। कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग टेनिंग ऑफ द वेल्स, कॉर्बल्स या फिर फुटिंग में हेडर बॉन्ड यूज किया जाता है, है ना। और 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्ट करना है तो स्ट्रेचर बॉन्ड यूज किया जाता है। पार्टीशन वॉल जो होते हैं वो स्ट्रेचर बॉन्ड से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स हमें दिखेंगे, है ना, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर दिखेंगे। और अगर एक ही कोर्स में हेडर स्ट्रेचर दिया गया होगा, ईच कोर्स हैज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर द फ्लेमिश, दैट इज द फ्लेमिश बॉन्ड। ईच कोर्स हैज अल्टरनेटिव हेडर एंड स्ट्रेचर, देन इट इज व्हाट, फ्लेमिश बॉन्ड। ओके, जैसे कि एक इमेज है हमारे पास, है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको, पूरे लेयर में, पूरे कोर्स में, पूरे सारे के सारे स्ट्रेचर है, फिर बाद में सारे के सारे हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड। अगर एक कोर्स में या फिर एक लेयर में एक स्ट्रेचर है, एक हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, फ्लेमिश बॉन्ड कहेंगे। यस, क्लियर। तो आपको ये इमेज जो है क्लियर कर देगा, ये फ्लेमिश बॉन्ड है और ये इंग्लिश बॉन्ड है। हमें जो इमेज में दिया गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज व्हाट फ्लेमिश बॉन्ड। क्लियर। तो ये फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, ये सभी जो है क्वेश्चंस आपको, टोटल 13 क्वेश्चंस थे जो आपको ब्रिक एंड ब्रिक मेसनरी के ऊपर हम लोगों ने इस सीरीज में लिया है। आगे और भी सीरीज आने वाले हैं, और भी बिल्डिंग मटेरियल के और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो जरूर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले सारे जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, TCS के, IBPS के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जरूर हम लोग इस यूट्यूब लेक्चर सीरीज में लेने वाले हैं। और इससे आप, मतलब क्वेश्चन से आप जो वीडियो सॉल्यूशंस आप जो देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, सब नोट डाउन कर रहे हैं, जरूर आपको आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये हेल्पफुल रहने वाला है। यस, सो स्टे ट्यून्ड ऑन रिधान एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय।